सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस होली बैंकों में कितने दिन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस होली पे 20 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बैंकों में छुट्टियां रहेंगी, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग छुट्टियां होने पड़ने वाली हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि किन किन स्टेट में कौन कौन सी छुट्टियां किस किस तारीख को पड़ेंगी। तो दोस्तों 20 और 21 मार्च को पूरे देश में होली की छुट्टियाँ रहेंगी। 20 मार्च को होलिका दहन है जबकि 21 मार्च को होली खेला जाएगा। तो 20 और 21 मार्च को बैंकों में छुट्टियाँ रहेंगी पूरे देश भर में। दोस्तों कुछ न्यूज़ चैनल में आपको बताया जा रहा हो कि 22 मार्च को भी बैंक बंद रहेंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं 22 मार्च को बैंक सिर्फ बिहार में ही बंद रहेंगे, क्योंकि बिहार में उस दिन बिहार डे मनाया जाता है। तो इस कारण से बिहार में बैंक जो है बंद रहेंगे। ये स्टेट लेवल की छुट्टी है, इसलिए बिहार में सारे बैंक बंद रहेंगे और पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे, सिर्फ बिहार में ही छुट्टी रहेगी। इसके बाद 23 और 24 मार्च को बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 23 मार्च को जो फोर्थ सैटरडे है, तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे के दिन बैंक बंद रहते हैं। इसके बाद 24 मार्च को संडे है, तो उस दिन बैंक ऑब्वियसली बंद रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को पूरी तरीके से बता दिया कि 20 और 21 मार्च को बैंक बंद रहेंगे और इसके बाद फिर 22 मार्च को बैंक खुला रहेगा। तो 22 मार्च को सिर्फ बिहार में ही बंद रहेगा और बाकी पूरे देश में खुला रहेगा। इसके बाद 23 और 24 मार्च को बैंक बंद रहेंगे और इसके बाद 25 मार्च को बैंक पूरी तरह से खुल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।